तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 16। तो 16 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन ये है कि ए टू डायमेंशनल स्ट्रेस, और आगे लिखा हुआ है सिग्मा एक्स का मान भी लिखा हुआ है, साथ साथ देखिए सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई दोनों को बराबर कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि बताइए रेडियस मोहर सर्कल की बताइए कितनी होनी चाहिए, और स्केल जो ली जा रही है वो ली जा रही है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी आपका 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर को आप सीधा सीधा कह सकते हो 1 सेंटीमीटर के बराबर माना जाएगा, ये आपकी स्केल है। और इन्होंने सिग्मा एक्स तो 100 लिया है, बट आपसे सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई दोनों का मान बराबर कह दिया, वो मान 40 है। तो पूछी जा रही है आपसे रेडियस, तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो मोहर सर्कल की रेडियस होती है आर, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट एफ एक्स माइनस एफ वाई बाई टू का स्क्वायर, और उसके बाद होता है प्लस क्यू स्क्वायर। सवाल ये है कि अगर इसको सॉल्व कराया जाए तो कैसे सॉल्व करा सकते हैं हम लोग, तो एफ एक्स कितना है 100, एफ वाई कितना है 40, तो मेरे भाई जब यहां 100 माइनस 40 रखोगे तो आ जाएगा 60, और 60 बटे 2 करोगे तो आ जाएगा 30। तो मानी बात है रेडियस आर के फॉर्मूला में आ जाएगा अंडर रूट यहां 30 का स्क्वायर प्लस, और रही बात क्यू, तो क्यू बताइए कितना बोला जा रहा है, क्यू मतलब वही टाउ एक्स वाई, तो टाउ एक्स वाई कितना है हमारा 40, तो 40 है तो आप कह सकते हो यहाँ 40 का स्क्वायर, तो रेडियस जो निकल के आएगी वो 50। बट यहां तुम्हें पैमाना भी तो लगाना है, अगर पैमाना भी लगाना है तो पैमाना माना जा रहा है 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो यानी 10 एक सेंटीमीटर को शो करता है, तो 50 कितने सेंटीमीटर को शो करेगा, ये शो करेगा हमारे 5 सेंटीमीटर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो सोलवेट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो सोलवेट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 ये है नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड सिग्मा, कहा जा रहा है कि नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा मैग्नीट्यूड का है बट अपोजिट साइन एट अ पॉइंट ऑफ स्ट्रेन मटेरियल इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, डेट मीन सवाल कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक तो सिग्मा काम कर रहा है लेकिन जो है दूसरा जो है अपोजिट साइन बोला जा रहा है, तो दूसरा हमारा कह सकते हो सिग्मा तो है बट वो हमारे टेंसाइल नहीं कॉम्प्रेशन नहीं चल रहा है। फिर आगे बोला जा रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड बताइए ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड एट 45, मतलब ये है कि 45 डिग्री पर जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन होगा उस प्लेन पर आपको बताना है कि नॉर्मल स्ट्रेस कितना होना चाहिए। तो अगर याद हो तो याले टेस्ट का जो नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है एफ एन का फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला बताया गया था एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई टू, फॉर्मूले से लगाना चाहे तो प्लस एफ एक्स माइनस एफ वाई बाई टू, ये फॉर्मूला है आपका, और इनटू होता है चल के कॉस टू थीटा। बट इन्होंने देखिए किस प्लेन पे पूछा है, उस प्लेन पे पूछा है जहां के लिए थीटा कितना हो 45, तो मेरे भाई जैसे तुम यहाँ थीटा बराबर 45 रखोगे तो ये हो जाएगा कॉस 90, और कॉस 90 का जो मान होता है वो सबको पता है कि 0 होता है, तो यहाँ ये 0, तो पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बताओ नॉर्मल स्ट्रेस आ जाएगा एफ एक्स माइनस एफ सॉरी एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई टू, या इसी को वैल्यू भी पुट करा दो, तो एफ एक्स का मान देखिए प्लस सिग्मा है जबकि एफ वाई का मान माइनस सिग्मा है, अब बटे 2 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका 0, तो नॉर्मल स्ट्रेस हमारा कितना आ गया 0 याले कंडीशन के टेस्ट में, और कितने एंगल पर 0 आया है 45 डिग्री के एंगल पर, तो 17वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग चाहते तो इस सवाल को जो है बाई मोहर सर्कल भी सॉल्व किया जा सकता है, अगर बाई द वे आपको नहीं ये फॉर्मूला याद है तो कोई बात नहीं, हम लोग देखिए इसको मोहर सर्कल से कैसे सॉल्व करते हैं, तो मोहर सर्कल सॉल्व करना हो तो बस इस कंडीशन का आपको मोहर सर्कल ड्रॉ करना आना चाहिए। तो देखो एक तो हमारा प्लस सिग्मा है, तो प्लस सिग्मा का पॉइंट ये रहा, दूसरा हमारा माइनस सिग्मा है क्योंकि टॉम्प रेशियो लगा है, तो माइनस सिग्मा का पॉइंट ये रहा, तो दोनों का अगर मोहर सर्कल बनाया तो ऐसा मोहर सर्कल बनेगा। अब इन्होंने देखिए आपसे जो पूछा था नॉर्मल स्ट्रेस वो 45 डिग्री पर पूछा था, तो मेरे भाई अगर यहां पर 45 डिग्री पे जाना हो, ये 45 डिग्री पे जाना हो तो वहां जाना होगा, तो वहां कितने डिग्री पे जाना होगा 90, तो यहां से आप 90 डिग्री एंगल पे घूम जाइए तो इस पॉइंट पर मिलेगा, इस पॉइंट पर देखिए जो प्रोजेक्शन होगा वो ऑरिजिन ही आएगा, इसका मतलब इस वाले पॉइंट पे जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा सर वो 0 होगा। अगर नॉर्मल स्ट्रेस 0 ना होकर इधर उधर पॉइंट मिलता, जैसे कि पॉइंट यहां मिलता तब नॉर्मल स्ट्रेस पॉजिटिव में मिलता, अगर पॉइंट यहां मिलता तब नॉर्मल स्ट्रेस नेगेटिव मिलता,
लेकिन ऑरिजिन में मिला इसी वजह से नॉर्मल स्ट्रेस कितना आया, जीरो। तो 17 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी जीरो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू प्योर टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 100 यूनिट, यानी किसी बॉडी में जो प्योर टेंसाइल स्ट्रेस है वो 100 यूनिट है, तो टेंसाइल स्ट्रेस 100 यूनिट बोल दिया जा रहा है। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बताइए इन द बॉडी एट सम ऑब्लिक प्लेन। बस पोटोशन ये है, ये कंडीशन बताइए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा। चाहो तो फॉर्मुला भी यूज कर लो, फॉर्मुले से तो तुरंत आ जाएगा। तो ये पहली वाली कंडीशन है, तो पहली वाली कंडीशन के जो लिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आया था वो आया था fx by 2 sin 2 थीटा। अब थीटा बराबर बताइए कितना है हमारा, तो थीटा बराबर हमने इन्होंने कहा मैक्सिमम बताओ, तो मैक्सिमम के लिए इस sin 2 थीटा को करना पड़ेगा 1, तो बताइए 1 किया जाएगा तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा fx by 2। अगर आंसर fx by 2 आ गया तो fx कितना है हमारा 100, तो 100 by 2 कितना आ जाएगा 50, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपका आंसर आ गया 50। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 50 यूनिट्स। अगर आप चाहते तो आप इसको मोहर सर्कल से भी सॉल्व कर सकते हैं। मोहर सर्कल से कैसे, इस कंडीशन का बस आप मोहर सर्कल बना लीजिए। तो देखिए इसमें एफएक्स तो 100 लगा है, तो एफएक्स 100 लगा है तो ये 100 वाला पॉइंट हो गया, एफवाई 0 है तो ये 0 वाला पॉइंट हो गया, एफवाई 0 है तो मोहर सर्कल बनाना हो तो इसका मोहर सर्कल सर कुछ इस तरह से टच करते हुए ऐसे बनेगा। तो एक बार बताओ 0 से 100 तक ये आपकी रेडी डायमीटर है, तो बताओ रेडियस कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक 50, और जो मेरे भाई रेडियस होती है वही तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है। तो ध्यान रखना जो रेडियस होती है वही मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है, तो रेडियस आपकी 100 का आधा 50 हो जाएगी, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी 50 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बढ़िया सवाल है, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, देखिएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है इन अ स्ट्रेंड मटेरियल नॉर्मल स्ट्रेस ऑन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई, यानी सिग्मा एक्स सिग्मा वाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेस है, बोथ एलाइट एक्मिनेट बाई अ शियर स्ट्रेस, दैट मीन्स टाउ एक्स वाई भी लगा हुआ है, शियर स्ट्रेस भी लगा हुआ है, वन ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस विल बी जीरो। कहा जा रहा है कि यदि एक प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना हो जाए जीरो, तो सोचने वाली बात यह है कि एफ वन के फॉर्मूले में आता है बीच में प्लस, एफ टू के फॉर्मूले में बीच में आता है माइनस, तो आप किसको जीरो करोगे। तुम्हारी बात है आपका कि याली कंडीशन में एफ वन तो जीरो नहीं हो पाएगा तो एफ टू जीरो हो जाएगा, तो एफ टू टू जीरो कर दीजिए। तो चलो फिर एफ टू टेट पर फॉर्मूला देख लेते हैं जरा क्या है। तो एफ टू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई टू माइनस अंडर रूट, उसके अंदर होता है एफ एक्स माइनस एफ वाई बाई टू का स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर, बट एफ एक्स एफ वाई सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई है और जो क्यू है वो कितना है टाउ एक्स वाई, तो ऑप्शन देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है तो उसे सॉल्व करा देंगे। तो ये बताइए इन्होंने कह दिया सवाल में ये जीरो है, देखिए सवाल बोला जा रहा है वन ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस विल बी जीरो, यानी एक प्रिंसिपल स्ट्रेस जीरो है, तो मेरे भाई अगर ये जीरो करना है तो जीरो आपने इसको किया तो जीरो तब होगा जब ये वैल्यू बराबर होगी, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई टू बराबर अंडर रूट, ये जितना हो जाएगा ये हो जाएगा एफ एक्स, या फिर एक काम कर सकते हैं इस वाले डेटा को अगर और अच्छे सॉल्व करना चाहे तो इस वाले डेटा को 1/2 बाहर लेकर अंडर रूट के अंदर एफ एक्स माइनस एफ वाई का स्क्वायर और प्लस 4 × q² भी लिखा जा सकता है। तो बाई टू से बाई टू ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपको अब करना पड़ेगा दोनों तरफ स्क्वायर। तो मेरे भाई ये बताओ अगर तुम दोनों तरफ स्क्वायर लाओगे तो यहां स्क्वायर होगा एफ एक्स स्क्वायर, तो यहां भी तो अंडर रूट हटेगा तो यहां भी तो एफ एक्स स्क्वायर बचेगा, यहां भी प्लस एफ वाई स्क्वायर, यहां भी प्लस एफ वाई स्क्वायर, लेकिन बट यहां बचेगा 2 times एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर, लेकिन यहां बचेगा -2 times एफ एक्स इंटू एफ वाई, अब प्लस बताइए आगे क्या बचेगा, तो प्लस आगे बचेगा 4 × q². तो एक बार बताओ अगर ये पैरामीटर इधर लाया जाए तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 fx into fy बराबर 4 × q², तो 4 से 4 कैंसिल, तो बताओ शियर स्ट्रेस q बराबर हो जाएगा अंडर रूट
एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो देख लो अंडर रूट एफ एक्स इंटू एफ वाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्यू बराबर। तो ये पहला वाला तो गलत हो गया, इंटू है बाई टू है, दूसरा वाला गलत हो गया, अंडर रूट नहीं लगा, तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टाउ एक्स वाई बराबर अंडर रूट सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो गया। देख लीजिए, वन प्रिंसिपल स्ट्रेस में सवाल में कह दिया गया था कि वन प्रिंसिपल स्ट्रेस हमारा कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, इसी वजह से हमारा कह सकते हो ये अलग पार्ट जो है करेक्ट हो गया, सही हो गया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 ये है, क्वेश्चन नंबर 20 में तो सीधा सीधा मोहर सर्किट पूछ दी गई है रेडियस। तो सबको बात पता है कि जो रेडियस होती है उस रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो अंडर रूट, और अंदर क्या होता है एफ एक्स माइनस एफ वाई बाई टू का स्क्वायर और प्लस टू स्क्वायर। तो मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है इसकी मदद से। तो ये तो आंसर गलत हो गया पहला वाला, दूसरा वाला, हाँ सर दूसरा वाला तो एकदम करेक्ट है, तीसरा वाला और चौथा वाला भी गलत है। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तो बीच में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, बढ़िया सवाल ये भी, क्वेश्चन नंबर 21 ये कहा जा रहा है इन अ स्ट्रेंड मटेरियल वन ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस इज ट्वाइस द अदर, मतलब एक जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो दूसरे प्रिंसिपल स्ट्रेस का दुगना है। मेरे भाई अगर ये दुगना है और बराबर करना है तो यहाँ दो का मल्टीप्लाई किया जाएगा ना, तो आप ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पर दो का मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हमारा बराबर हो गया, यानी वन प्रिंसिपल स्ट्रेस दूसरे प्रिंसिपल स्ट्रेस का दुगना है। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द सेम केस टाउमैक्स, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ जा रहा है टाउमैक्स से, देन व्हाट विल बी द, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, यानी तब एफ वन का मान बताइए कितना होना चाहिए, बट एफ वन का जो मान बताना है वो टाउमैक्स के पदों में बताना है, ये है सवाल आपका। चलो फिर देखते, तो ये बताओ अगर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउमैक्स देखा जाए तो उसका फॉर्मूला हो सकता है एफ वन माइनस एफ टू बटे दो। भैया एफ वन होता है डायमीटर का अंतिम पोजीशन, एफ टू होता है डायमीटर का मिनिमम पोजीशन, तो जो दोनों का अंतर हो रहा है वो एफ वन माइनस एफ टू, आधा कर दोगे तो हमारा रेडियस बन जाएगी और रेडियस ही मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है। तो टाउ मैक्स का ये भी फॉर्मूला याद रखिए एफ वन माइनस एफ टू बटे दो। तो मेरे भाई बताइए एफ वन का मान उठा कर रख दीजिए, तो एफ वन का मान उठा कर रखा जाएगा तो बताइए कितना हो जाएगा, एफ वन का मान रखा जाएगा तो टू एफ टू माइनस एफ टू बटे दो, तो एफ टू में से टू एफ टू में से एट एफ टू जाएगा, तो बताओ एफ टू बराबर कितना हो जाएगा, तो एफ टू बराबर हो जाएगा टू टाइम्स टाउ मैक्स। ले रहे उन्होंने एफ टू नहीं पूछा था, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछा था, तो मेरे भाई मैक्सिमम पूछा था तो यानी एफ वन पूछा था, तो बताइए एफ वन बराबर है टू एफ टू, यानी एफ टू तो भी दुगना, तो मानी बात है एफ वन बराबर हो जाएगा फोर इंटू टाउ मैक्स, तो ये हमारा एफ वन का मान हो गया फोर इंटू टाउ मैक्स। तो जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो 21 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 7 नंबर, फॉर अ जनरल टू डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम, दो डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम है, तो दो डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम तो यही होता है ना कि सिग्मा एक्स भी लगा हो और साथ साथ आपका सिग्मा वाई भी लगा हो। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मोहर सर्कल, कहा जा रहा है मोहर सर्कल के सेंटर निर्देशांक बताइए। तो भैया सेंटर निर्देशांक बताते समय हमेशा उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो तो जीरो होता है, तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है उस हिसाब से ऑप्शन को देख लेते हैं। तो मेरे भाई ये बताओ, ये रहा तुम्हारा सिग्मा एक्स, ये रहा सिग्मा वाई, तो सेंटर हो रहा है इसके बीच में, तो सेंटर निर्देशांक जो हो जाएंगे, मिड पॉइंट निर्देशांक हो जाएंगे, वो हो जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बटे दो कॉमा जीरो। तो ये निर्देशांक हो जाएंगे सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बटे दो कॉमा जीरो। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बटे दो कॉमा जीरो। ठीक, बाकी ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन मोहर सर्कल, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन मोहर सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ मोहर सर्कल, मतलब कहा जा रहा है कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ट्यू मैक्स हो रहा वो बताइए किसके बराबर हो रहा,
तो सबको बात पता है कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है वो मोहर्स अल्टीट्यूड स्टे बराबर होता है रेडियस स्टे, तो इज इक्वल टू रेडियस ऑफ मोहर्स अल्टीट्यूड, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ मोहर्स अल्टीट्यूड, बड़ा नहीं होता छोटा नहीं होता बराबर होता है रेडियस स्टे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो ए करेक्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ मोहर्स अल्टीट्यूड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या बोला जा रहा है, ए प्लेस ऑफ मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू टू परपेंडिकुलर टेंसाइल स्ट्रेस, 70 है और 10 है, यानी fx और fy दे दिया इन्होंने, तो fx 70 है और जो fy दिया है इन्होंने 10 दिया गया है। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन अ प्लेन इन विच मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अकर, कहा जा रहा है जिस प्लेन पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा उस प्लेन पर आपको बताना है रिजल्टेंट स्ट्रेस। बहुत बढ़िया सवाल है, जिस प्लेन पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा उस प्लेन पर आपको बताना है रिजल्टेंट स्ट्रेस। तो मेरे हिसाब से अगर ये सवाल मोहर्स अल्टीट्यूड से बनाया जाए तो बहुत आसान से बन जाएगा, देखिए कैसे बनाया जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि एफ एक्स हमारा 70 है तो ये 70 का पॉइंट हो गया, FY 10 है ये 10 का पॉइंट हो गया, तो तुरंत आप इन दोनों की मदद से आप ड्रॉ कर दीजिए मोहर्स अल्टीट्यूड, तो सर ये आपका मोहर्स अल्टीट्यूड बना। इन्होंने रिजल्टेंट स्ट्रेस पूछा, अच्छा पहले बताओ सेंटर, अगर ये 70 पे ही ये 10 पे है तो पहले हमें बताना पड़ेगा सर सेंटर कितने पर होगा, तो 70 प्लस 10 बटे 2 तुम्हारी बात है जो सेंटर होगा वो कितने पर होगा, वो सेंटर आपका 40 पर होगा आपका, ठीक है। अब एक बात बताइए, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यहां पर होता है, ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, तो कहा जा रहा है जहां पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हो वहां पर आप बताइए रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या होगा। तो एक बात बताइए, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस तो आपने बताया यहां पर है, लेकिन इस शियर स्ट्रेस पर पूछा जा रहा है रिजल्टेंट स्ट्रेस, तो भैया रिजल्टेंट स्ट्रेस कहा जाए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पर ये होगा शियर स्ट्रेस, ये होगा तुम्हारा नॉर्मल स्ट्रेस, तो रिजल्टेंट स्ट्रेस तो ये लाइन बनेगी ना टर्न। तो आप बताइए जरा यहां ये 40 है, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है 40, तो इस दूरी को आपने 40 कहा, सर ये पूरी दूरी 40 है ना, टोटल रोटेशन देखो भाई ये 10 ये 70, तो 70 में से अगर तुम्हारा 10 जाएगा तो ये बचेगा 60, ये 30, तो 30 और 10 40 यानी पूरा 40 है। तो एक बात बताओ अगर ये 70 में से 10 जाएगा तो बचेगा 60, तो 60 का आधा कितना 30, तो ये जो रेडियस इतनी दूरी ये 30 हो रही, तो ये कन्फर्म ये भी 30 हो जाएगा। अगर ये 30 है ये पूरी दूरी तुम्हारी 40 है, तो बताइए जरा ये जो मान आएगा ये मान कितना आ जाएगा, आप जोड़ के स्क्वायर काट के जोड़ दीजिए, तो ये मान कन्फर्म कितना आएगा 50, तो इसका जो ट्रैक्ट आंसर होगा वो 50 एमपीए ट्रैक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने इस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाले प्लेन पर ना तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछा था और ना ही मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस पूछा था, उन्होंने पूछा था रिजल्टेंट स्ट्रेस, और रिजल्टेंट स्ट्रेस सबको बात पता है कि ये मैक्सिमम नॉर्मल होता है ये शियर होता है, इसको मिलाने वाली जो लाइन हो रही है ओरिजिन के साथ वो हमारा रिजल्टेंट स्ट्रेस हो रही, इसी वजह से जो ऑप्शन नंबर हमारा 50 यानी जो भी ऑप्शन हो हमारा सी में करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 क्वेश्चन नंबर 25 ये बोला जा रहा है टू परपेंडिकुलर टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ मैग्नीट्यूड 40 एंड 20, तो दो हमारे fx और fy दे दिए गए, 40 है fy कितना है 20 है, फिर क्या बोला जा रहा है कि r 18 एट अ पॉइंट अक्रॉस टू परपेंडिकुलर प्लेन्स एन ऑब्लिक प्लेन मेक एन एंगल थीटा, कहा जा रहा है कि एक ऑब्लिक प्लेन है जो कितना एंगल बना रहा है थीटा बना रहा है विद अ मेजर प्रिंसिपल प्लेन, मतलब 40 के साथ थीटा बना रहा है सही है, फिर fx को 40 मानना सही रहेगा हमारे लिए, विद द मेजर प्रिंसिपल प्लेन द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन, यानी इस ऑब्लिक प्लेन पे कौन सा बताइए नॉर्मल स्ट्रेस बताइए कितना होना चाहिए। तो चलो फिर सॉल्व करते हैं, तो नॉर्मल स्ट्रेस चाहिए तो बताइए पहले नॉर्मल स्ट्रेस एफ एन का फॉर्मूला होता क्या है, अगर एफ एक्स और एफ वाई दोनों लगे हों तो फॉर्मूला होता है एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई टू प्लस उसके बाद होता है एफ एक्स माइनस एफ वाई बाई टू, ये हमारा फॉर्मूले से आसान पड़ेगा, इंटू होता है कॉस टू थीटा, तो बात बताइए 40 प्लस 20 कितना हो जाएगा 60 बटे 2 कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ 30 आया प्लस 40 माइनस 20 20 और बटे 2 यहाँ 10 आया इंटू क्रॉस थीटा कितना था 30, अरे क्रॉस 30 नहीं क्रॉस 2 थीटा है तो क्रॉस कितना हो जाएगा 60, तो यहाँ पर कह सकते हो कि ये आपका डेटा मिला है, अब चाहो तो इस डेटा को कैलकुलेटर से सॉल्व करा लो, नहीं चाहते तो ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, कैसे क्रॉस 60 कितना होता है 1 बटे 2,
तो 8/2 यहाँ लठ रहे हो तो कितना आ जाएगा 5, तो 30 प्लस 5 कितना हो जाएगा 35, तो नॉर्मल स्ट्रेस हमारा आ जाएगा 35। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टोटल क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी 35 देख लीजिए, है ना। यहां जल्दी ये ना कर देना कि इसको एफएक्स मान लिया बी इसको, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो एंगल दे रहा था वो मैक्सिमम वाले से दे रहा था, मेक्स एन एंगल 30° विद द मेजर प्रिंसिपल प्लेन, यानी 40 के साथ दे रहा था, तो तुम्हारा जो डायग्राम बनेगा वो ऐसे ही बनेगा 20 और ये एंगल ठीक, ये डायग्राम ठीक। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 25 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला जा रहा है। द स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑन अ पॉइंट अंडर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, सिग्मा एक्स भी दे रहा है, सिग्मा वाई भी दे रहा है, टाउ एक्स वाई भी दे रहा है, द रेडियस ऑफ मोअर दल, बड़ा ही सवाल रेडियस पूछी आ रही है। तो रेडियस क्या होता है, एफ एक्स माइनस एफ वाई बाई टू स्क्वायर, तो एफ एक्स माइनस एफ वाई बाई टू स्क्वायर, तो अच्छा ये थोड़ा गलत हो गया, इसमें से एक टू सिग्मा वाई कह देना, मान लो ये सिग्मा वाई है, तो 60 - 120 60 आ जाएगा, क्योंकि माइनस में आएगा तो कोई बात नहीं, अंदर स्क्वायर भी तो लगा है, और बटे दो करोड़ तो 30 आ जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर यहाँ माइनस 30 स्क्वायर और प्लस कितना होता है क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर होता है तो बताओ क्यू कितना है 40, तो यहाँ 40 स्क्वायर हो जाएगा, तो मेरे भाई 30 स्क्वायर और 40 स्क्वायर कितने बराबर हो जाएगा 50 स्क्वायर के बराबर, या फिर अंडर रूट ले लिया जाएगा तो 50 हो जाएगा। तो रेडियस ही तो पूछी गई थी, मोर जरूरी रेडियस पूछी जा रही थी, रेडियस बताइए, तो रेडियस हमारा हो जाएगा 50। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 ये है, ए सिस्टम अंडर डोज अ बाई एक्सियल लोडिंग 100 टेंसाइल में है और 50 हमारा कॉम्प्रेशिव में है, मतलब जो सिग्मा एक्स है आपका, कैसे भी ले लो सिग्मा एक्स हमारा 100 है और जो सिग्मा वाई है तुम्हारा वो -50 है। बोला क्या जा रहा है आपका, एट अ पॉइंट ऑन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बताइए कितना होना चाहिए, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बताना कितना होना चाहिए, ध्यान रखना इस बात को। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का मान बताइए क्या होना चाहिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो चाहो तो आप इसको मोहर सर्कल्स बना लो तो भी आसान पड़ेगा, कैसे बताइए, सिग्मा एक्स का जो पॉइंट है वो 100 है तो यहाँ 100 वाला पॉइंट आ गया, और सिग्मा वाई -50 है तो -50 वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। तो यही से ही तो मोहर सर्कल बनेगा, तो आप कह सकते हो कि जो मोहर सर्कल ड्रॉ होगा वो कुछ इस तरह से मोहर सर्कल बनेगा। अब एक बात बताइए, इन्होंने मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछा है और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होती है वो मोहर सर्कल की क्या होती है, रेडियस होती है। तो एक बात बताओ, अगर ये 100 है, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक दूरी 100 है और यहाँ से ये 50 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा 150। अगर ये पूरा 150 है तो जो भी सेंटर बनेगा, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 150 है तो जो सेंटर बनेगा उस सेंटर से यहाँ तक की दूरी, देखो भाई डायमीटर आया तुम्हारा 150, तो जो रेडियस आएगी वो हमारी 75 आ जाएगी, तो इसका मतलब 75 Nm/mm², ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का रेडियस बस निकाल दी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया, और चाहो तो आप इसको फॉर्मूले से भी लगा सकते हो तो भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 28 नंबर भी सवाल कुछ स्वीप रहा है, इन अ बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई भी दे रहा है टाउ भी दे रहा है और पूछा रहा है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस बताइए। तो याद करिए मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस F1 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fx + Fy/2 यानी जोड़ के आधा प्लस अंडर रूट, बाहर होता है अंदर होता है Fx - Fy/2 का स्क्वायर और प्लस हमारा क्यू स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का होता है। लेकिन थोड़ा दिमाग से रखेंगे, Fx + Fy/2 तो भैया Fx 900 Fy कितना है 100, तो 900 + 100 = 1000 / 2 तो ये हमारा मान 500 आया प्लस अंडर रूट Fx - Fy/2 तो 900 में से 100 जाएगा 800 और बटे 2 करोड़ तो ये मान तुम्हारा 400 आ गया स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर तो क्यू हमारा टाउ है तो टाउ हमारा 300 दिया गया है 300 स्क्वायर तो सबको बात पता है कि 400 स्क्वायर और 300 स्क्वायर मिला के 500 स्क्वायर होगा और 500 स्क्वायर जब अंडर रूट लिया जाएगा तो 500 आएगा तो मानी बात है जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस आएगा वो 500 + 500 तो 1000 आ जाएगा
तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस का जो आंसर आ गया वो हमारा 8000 आ गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 1000 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा 28 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बढ़िया सवाल है। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाएगा, नहीं तो इस तरह क्वेश्चन पहले क्वेश्चन समझ लीजिए एक बार क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन आपका ये कहा जा रहा है, द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट सिग्मा एक्स, यानी आपको सिग्मा एक्स का मान दे दिया गया है, सिग्मा एक्स का मान दे दिया गया 100, सिग्मा वाई का मान भी दे दिया है, सिग्मा वाई का मान दे दिया है 20, और दोनों हमारे पॉजिटिव में है, कोई ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है, और प्रिंसिपल स्ट्रेस भी दे दिया है, प्रिंसिपल स्ट्रेस मतलब होता है मैक्सिमम मान, तो सिग्मा वन का मान दे दिया है इन्होंने 250, सिग्मा वाई सॉरी 200 है, और सिग्मा वन का मान दे दिया है 250। और फिर आगे बोला जा रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मतलब दूसरा जो प्रिंसिपल स्ट्रेस एफ टू होगा पहले तो वो बताओ, और फिर बोला जा रहा है अदर प्रिंसिपल स्ट्रेस, फिर बोला जा रहा है एंड द सेरीन स्ट्रेस टाउ एक्स वाई बताओ। अच्छा टाउ एक्स वाई का वही मतलब होता है ट्यू, तो अच्छा ट्यू ना लेटर इन्होंने टाउ के पदों में लिखा है, तो टाउ निकालते हैं, और ये एफ टू ना लेटर इसको भी हम लोग कह देते हैं कि ये सिग्मा टू निकालना है, है? तो ये सवाल है आपके सामने, सिग्मा एक्स भी दे रहा है, सिग्मा वाई भी दे रहा है, और सिग्मा वन दे दिया है, सिग्मा टू और टाउ पूछा जा रहा है। तो इसको हम लोग दो मेथड से बताएंगे, पहला मेथड तो हमारा वही होगा कि आप एनालिटिकल मेथड से बता सकते हैं, कैसे एनालिटिकल मेथड के लिए आपको सिग्मा वन का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप सबको पता है कि सिग्मा वन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, तो सिग्मा एक्स 100 प्लस सिग्मा वाई 200, तो बाई टू करोड़े 100 प्लस 200 बटे 2 करोड़े तो 150 हो जाएगा, प्लस उसके बाद होता है अंदर अंडर रूट, उसके बाद होता है अगर आपको पता हो तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, तो सिग्मा एक्स 100 माइनस सिग्मा वाई कितना हो जाएगा 200, तो 100 माइनस 200 100 बटे 2 50, लेकिन स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ 50 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे क्या बचेगा, तो आगे बचेगा प्लस ट्यू स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करके हम लोग ट्यू, या फिर इन्होंने टाउ लिया हुआ है तो हम भी टाउ ले लेंगे, तो टाउ स्क्वायर ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सिग्मा वन का मान बताइए कितना है 250, तो यहाँ मेरे भाई 250 रख दो, ये 150 और प्लस ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 50 स्क्वायर और प्लस टाउ स्क्वायर, तो इधर जैसे ही जाएगा तो 250 में से 150 जाएगा तो ये बचेगा 100 बराबर 50 स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, और अभी भी 1/2 पावर डेट मीन्स अंडर रूट रहेगा। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर करा दीजिए, तो मेरे भाई जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर कराया जाएगा तो स्क्वायर कराने के बाद आप ऐसा कह सकते हो कि यहां हो जाएगा 100 स्क्वायर और यहां हो जाएगा 50 स्क्वायर और प्लस यहां टाउ स्क्वायर, हमें टाउ चाहिए ना, तो टाउ बराबर हो जाएगा अंडर रूट 100 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर। तेरे बाप बताओ इसको सॉल्व कराना है, अंडर रूट 100 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर, तो ऑप्शन देखिए सब रूट में भी हैं, तो आप रूट में ही सॉल्व कराना पड़ेगा। तो 100 बताइए माइनस 50 स्क्वायर लिखा है, तो एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए, तो जोड़ा जाएगा तो ये जोड़ने पर माना जाएगा अंडर रूट 150 और घटाया जाएगा तो ये माना जाएगा 50। तो मेरे भाई बताओ ये जो 150 लिखा है 150 को 50 × 3 किया जाता है ना, तो 50 50 बाहर हो जाएगा, तो टाउ का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 50√3। तो आपने एक मान तो पता चल लिया, आपको सियर स्ट्रेस पता चल गया 50√3, तो 50√3 यदि सियर स्ट्रेस पता चला है, और इन्होंने देखो पूछा क्या था, पहले पूछा था प्रिंसिपल स्ट्रेस और बाद में पूछा था सियर स्ट्रेस, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाद में सियर स्ट्रेस है, तो बाद में ये 50 गलत है, बाद में ये 100 गलत है, तो बाद में 50√3 हमारे बी ऑप्शन में भी है, बाद में 50√3 हमारे सी ऑप्शन में है, तो इसका मतलब पहला और लास्ट तो गलत है बट बी और सी में से कोई भी एक सही हो सकता है। लेकिन अभी भी हमें एक पैरामीटर निकालना है जिस पैरामीटर को हम प्रिंसिपल स्ट्रेस कहेंगे, तो मेरे भाई चलो प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल लेते हैं, लेकिन इन्होंने बोला है अदर प्रिंसिपल स्ट्रेस बताइए, तो अदर यानी पहला वाला तो आपको पता है 250, दूसरा वाला सिग्मा 2 आपको निकालना है, तो सिग्मा 2 निकालना है तो सिग्मा 2 का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा बस, तो सिग्मा 2 का फॉर्मूला चलिए यूज करते हैं। तो सिग्मा 2 का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले में सबको बात पता है कि होता है यहाँ एफ एक्स प्लस या सिग्मा में ले लीजिए सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू,
माइनस होता है अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का स्क्वायर और प्लस हमारा क्यू स्क्वायर। ये फॉर्मूला कह सकते हो क्यू नहीं टाउ टाउ स्क्वायर, तो कह सकते हो ये फॉर्मूला सिग्मा टू का होता है। चलो फिर इसको देख लेते हैं क्या है। तो पहले लिखा है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, तो मेरे भाई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू का ही तो मान ये 150 आया है, तो इसका मतलब पहला वाला जो मान होगा वो हमारा 150 आ गया माइनस अंडर रूट। इसके बाद देखिए अंदर है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का स्क्वायर, तो यही मान ही तो 50 आया है, तो ये हमारा हो जाएगा 50 का स्क्वायर प्लस उसके बाद टाउ, तो टाउ का मान अभी अभी आपने डाला तो टाउ का मान आया है 50√3, तो टाउ का मान 50√3 आया है तो टाउ भी 50√3 रख दीजिए, और नहीं 50√3 रखना चाहते हैं चलो ठीक है ऐसे ही रखिए नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, 50√3 का स्क्वायर रख लीजिए। अब इस डेटा को सॉल्व करा लीजिए, तो ये डेटा सॉल्व कराया जाएगा, तो सर ये मेरे पास तो 150 रहा माइनस, इसके बाद इधर देखिए ये क्या बचेगा, तो इधर आप ऐसा कह सकते हो कि अगर इसको सॉल्व कराया जाएगा तो ये 50 का स्क्वायर और यहां भी तो 50 स्क्वायर है, तो 50 तो बाहर हो जाएगा और अंदर जो बचेगा वो अंडर रूट 1 और रूट 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो 3 प्लस 8 कितना हो जाएगा 4 और 4 का अंडर रूट लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, तो मानी बात है 50√2 100 और 150 में से 100 जाएगा तो सिग्मा 2 का जो मान आ जाएगा वो 150 माइनस 100 तो ये मान आ जाएगा आपका 50। तो आपका दूसरा प्रिंसिपल स्ट्रेस 50 आया, तो आपके दो आंसर आए, पहला आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस, दूसरा प्रिंसिपल स्ट्रेस 50 आया और इसके पहले वाला जो शियर स्ट्रेस निकाला वो 50√3 आया, तो इसके अनुसार देखिए जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा 50√3। पहले प्रिंसिपल पूछा रहा था तो बताना भी आपको पहले प्रिंसिपल ये और बाद में आपको बताना है शियर स्ट्रेस, तो क्वेश्चन नंबर 29 जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तेरी इस क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया तो हमने एनालिटिकल मेथड से सॉल्व किया, सही है सबको पता चल गया होगा, लेकिन एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग ड्राफ्टल मेथड यानी मोहर सर्कल से भी सॉल्व कराएंगे। तेरी मोहर सर्कल से सॉल्व कराने पे आपको क्या मदद मिलेगी, मोहर सर्कल से जब आप इसको सॉल्व कराओगे तो आपका जो दिमाग है ना वो थोड़ा और खुलेगा इन सब बातों को लेकर, तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसके बाद देखिए इसको हम लोग एनालिटिकल मेथड तो हो चुका है, ड्राफ्टल मेथड से एक बार और सॉल्व कराते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ड्राफ्टल मेथड क्या है। तो ड्राफ्टल मेथड के लिए हमें इन डेटा की आवश्यकता पड़ेगी, देखते हैं ड्राफ्टल मेथड कैसे लगाया जाएगा। तो ड्राफ्टल मेथड में आप सबको पता है कि सबसे पहले हम लोगों को मोहर सर्कल बनाना है, तो ये रहा तुम्हारा ऑरिजिन। अब इन मोहर सर्कल बनाने के लिए हमें इस पैरामीटर की कुछ आवश्यकता पड़ेगी, तो देखो इन्होंने सिग्मा वाई 200 दिया है तो 200 का पॉइंट थोड़ा दूर मिलेगा, ये 200 का पॉइंट हो गया, और सिग्मा एक्स 100 दिया है तो 100 का पॉइंट थोड़ा सा नजदीक मिलेगा 100, बट आपके जो मोहर सर्कल होगा वो इन दो पॉइंटों से नहीं खींचे रहा, क्यों, क्योंकि इन्होंने मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस भी दे रखा, तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कितना है 250, तो यहां से यहां तक ये 250, सॉरी ऑरिजिन से पूरा 250 होगा लेकिन यहां से यहां तक होगा 250, तो आपको पहले मोहर सर्कल बनाना है। तो मेरे भाई अगर ये F1 है जिसको सिग्मा 1 कह रहे हैं तो जो सिग्मा 2 होगा वो थोड़ा सा पीछे आएगा, तो सिग्मा 2 यहां, तो जो मोहर सर्कल ड्रॉ होगा वो कुछ ऐसे ड्रॉ होगा ये मोहर, बट जो सेंटर हो रहा वो तो सर बीच में हो रहा। सवाल ये है कि सर सेंटर निकाला कैसे जाए, तो जो सेंटर हो रहा वो 250 सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का भी बीच में हो रहा और 200 और 100 के भी बीच में हो रहा, तो मेरे भाई 200 और 100 के बीच में है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो भी आपका सेंटर आएगा वो 150 पे आया, तो सेंटर मैंने लिख दिया 150 पे, ठीक। अब थोड़ा दिमाग को गौर से समझना, देखिए चुटकी बजाते कैसे आंसर आएगा, ये बताइए ये पॉइंट और ये पॉइंट जिस तरह से यहां सिमेट्रेट है उसी तरह से ये 100 और सिग्मा 2 भी सिमेट्रेट है, टोटल सर्कल की थ्योरी है, तो बताइए ये 250 200 से 50 आगे है, तो यहां वाला जो सिग्मा 2 होगा वो 100 से 50 पीछे हो जाएगा ना, तो 100 से 50 पीछे कर दोगे तो मानी बात है ये जो सिग्मा 2 है वो डायरेक्ट पता चल जाएगा कि सिग्मा 2 का मान भी सर 50 आ जाएगा, तो सिग्मा 2 आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं कि जो सिग्मा 2 आएगा सर वो 50 आ जाएगा, क्यों कैसे 50 निकाला, आप सीधा सीधे देखिए 200 से 250 जितना आ रहे है 100 से सिग्मा 2 उतना पीछे ही तो होगा, तो 50 आ गया ये सिग्मा 2 आ गया। बट आपसे अगर पूछा एक और मान पूछा था, इन्होंने पूछा था शियर स्ट्रेस बताइए कितना होगा, तो आप सबको पता है कि शियर स्ट्रेस जब भी कभी निकालना होता है
तो ये जो 200 और 100 वाला पॉइंट है, इससे जो लाइन खींची जाती है, बस यही लाइन ही तो शियर स्ट्रेस होती है। या करिए जब इसका मोहर्सल ड्रॉ किया गया था, तो इन लाइनों को हमने ऐसे ऊपर नीचे टर इनको आपस में मिलाया था, तभी तो आपने खींचा था, तो यही लाइन ही शियर स्ट्रेस होगी। क्यों? तो एक बात बताओ, अगर ये लाइन खींची जाएगी ये, तो ये लाइन कितनी निकलेगी, ये क्यू का मान कितना निकलेगा, बस यही क्यू और निकाल लीजिए, तो आपको शियर स्ट्रेस पता चल जाएगा। तो शियर स्ट्रेस ये क्यू कैसे निकाला जाए, तो आपने ये देखा कि ये 250 आया और ये कितना आया, 50 आया, तो 250 में से 50 घटाओ तो ये डायमीटर आ जाएगा 200, अगर डायमीटर 200 आ गया तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 100, तो मेरे भाई रेडियस 100 आ रही, तो इस मोहर सर्कल की जो रेडियस आ रही वो 100 आ रही, रेडियस 100 आ रही। अच्छा, रेडियस 100 आ रही, तो रेडियस यही पैरामीटर यहां से लेकर यहां तक की दूरी तो रेडियस होगी, तो यहां से यहां तक की दूरी रेडियस होगी, तो आप ऐसा कह सकते हो ये जो रेडियस है ये 100 आ रही। अब एक बात बताओ, ये 150 है 200 है, तो ये दूरी कितनी हो रही, केवल इतनी दूरी, तो ये दूरी हो रही आपकी 200 में 150 घटाइए 50, तो मेरे भाई ये 100 पता है, ये 50 पता चल चुका, तो क्या ये दूरी नहीं पता चल पाएगी, तो ये दूरी जो होगी ये आप लंब का स्क्वायर निकाल सकते हो, तो ये दूरी हो जाएगी सर कर्ण का स्क्वायर 100 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर। और मेरे भाई जब 100 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर सॉल्व करके देखना, तो ये मान उसी तरह से निकल के आ जाएगा 50√3। तो पहला प्रिंसिपल स्ट्रेस 50 आ गया, 50। अच्छा, अगर प्रिंसिपल स्ट्रेस ही बस निकाल लिया जाए तो भी हमें ऑप्शन मिल जाता है सी ऑप्शन। कैसे? क्योंकि पहला जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो पहला मान 50 एटी ऑप्शन में तो है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आपने देखा जब आपने इसको मोहर सर्कल से लगाया तो ये सवाल बहुत ही आसान हो गया और दिमाग थोड़ा और तेज दौड़ाया जा रहा है इसमें। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 29 कंप्लीट होता है।